नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। जनपद की मार्टिनगंज से खबर आ रही है, जहां कड़ी धूप में बैठकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। डॉक्टर संजय गुप्ता ने मीडिया को बताया कि COVID-19 टीकाकरण के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। धूप बहुत तेज है, लेकिन फिर भी हम सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने, सुनवाते हैं आपको। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज हूँ। और इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है वैक्सीन लग रहा है, और यहाँ पे जनता में बहुत ही अधिक उत्साह है, और जनता उत्साह के साथ साथ आके वैक्सीन लगवा रही है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आई हुई है। हमने कई बार बताया यहाँ पे कि आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे 600 वैक्सीन का डोज है, और पब्लिक उसके बाद भी मानने को भी नहीं तैयार है। उत्साह इतना लोगों में वैक्सीन लगवाने के, लोग डटे हुए हैं। कई बार मना करने के बावजूद भी जनता हमारे पास है, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जो है आज 6 सेशन लगा रखा है, और हमने 2400 डोज हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रखा है। हमें 3000 डोज आज लगवाना है, जिसमें 2400 डोज ग्रामीण क्षेत्रों में, बाकी 600 डोज हमारे PSC पे लगना है। लेकिन हमें लगता है कि 1000 के आसपास जनता यहाँ पे आई हुई है, और जो हटने के लिए तैयार नहीं है कि हम वैक्सीन लगवा के ही जाएंगे। बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है जनता नहीं जा रही है। हम लोग धूप में खड़े होके, नेट में दिक्कत हो रही थी, हम लोग धूप में बैठ के भी आज जो है जनता का जो है कार्य कर रहे हैं, वैक्सीन वेरीफाई का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं जो है इसमें लग के काम